हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे टेक्निकल अवी यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है, इसमें हम बात करने वाले हैं VFX अलर्ट प्रो के बारे में। इसकी वर्किंग क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, कितना परसेंट एक्यूरेट है और क्या एक्चुअली इसके पीछे का सिनेरियो है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे लाइव अकाउंट से, यानी लाइव अकाउंट से हम ट्रेड लेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो ये VFX अलर्ट प्रो का सिस्टम मैंने परचेस किया है जस्ट फॉर शोइंग यू गाइज, जस्ट फॉर आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि इसकी जो रिव्यू है, इसके पीछे का चीज़ें जानने के लिए मैंने ये परचेस किया था आप लोगों की डिमांड पे ही। तो अब आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ पूरा, कि किस तरीके से यहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। कुछ लोग यार जिन्हें बिल्कुल नहीं पता VFX अलर्ट प्रो क्या है, तो उन्हें पहले बता देता हूँ। तो भाइयों यार, VFX अलर्ट प्रो एक बोट है जो कि हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है कि भाई मार्केट जो है पर्टिकुलर टाइम तक ऊपर रहने वाला या नीचे रहने वाला है, बुलिश या बियरिश। तो ये चीज़ें हमें इंडिकेट करता है, जैसा कि आप साइड में चेक कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेट करता है मार्केट का। और इसी को हम प्रिडिक्ट करके यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और कितने हद तक हम सक्सेसफुल रहते हैं या नहीं रहते, वही चीज़ें, ये चीज़ें आज की जो वीडियो में आपको पता लगेंगी। 10 ट्रेड हम लेंगे आज, 10 ट्रेड लेंगे, एक एक मिनट की, दो दो मिनट की, और डिसाइड करूंगा अभी मैं। तो उसने कि हम ट्रेड लेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा, उस रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है। लास्ट तक देखना यार वीडियो, क्योंकि अगर VFX अलर्ट प्रो के द्वारा अगर आप पैसा कमाना चाहते हो ना, और आप चाहते हो कि भाई ट्रेडिंग को पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम की तरह हम यूज़ करें, तो भाई VFX अलर्ट प्रो के रिव्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक दूसरी कमेंट मुझे मिलती है अपनी यूट्यूब चैनल पर, अगर मैं कमेंट बॉक्स में जाता हूँ तो हर एक दूसरी कमेंट मुझे यही मिलती है कि सर आप मुझे VFX अलर्ट प्रो के बारे में बताइए कि क्या है, किस तरीके से वर्किंग है इसकी, काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो चलिए यार गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है VFX अलर्ट प्रो, तो वहां से आपको इसका वर्जन मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, वर्जन है 3.0621, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो वहां पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको एक थोड़ा इसको परचेस करना पड़ेगा। जब आप इसे परचेस कर लेंगे तो उसके बाद ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। यहां से आप ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हैं, ओलिम ट्रेड और बायनमो, अभी फिलहाल दो ब्रोकर इसके पास अवेलेबल है। और यहाँ से जो है आप चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, चार्ट का क्या फ़ायदा है वो भी बताऊंगा। तो सपोज़ कीजिए मैंने यूरो यूएसडी का जो चार्ट है वो सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे देखिए एक विंडो मेरे पास खुल के आ जाता है और पूरा 15 मिनट, 1 घंटा, 1 मिनट, 30 मिनट सारा चार्ट मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो पिछले 15 मिनट की बात करें तो यूरो यूएसडी डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, अगर आप चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं ट्रेंड की बात करूँ तो डाउन ट्रेंड पे है, ये आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। यहाँ से आप इसको बार, कैंडलस्टिक, पैटर्न, सब कुछ, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और आपको अपना अकाउंट लॉगिन कैसे करना है, जैसे ही आप ब्रोकर पे क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम, जैसे अगर आप यहाँ पे बायनमो पे क्लिक करेंगे, ओलिम ट्रेड पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो पेज खुल के आएगा वहाँ से आपको अपना अकाउंट, वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे जो चार्ट चल रहा है ना, यहाँ पे करेंसीज का आपके विंडो दिखेगी साइड में, जिसमें करेंसीज चल रही होंगे कुछ, और इन्हीं पर्टिकुलर करेंसी पे फिलहाल आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, तो मैंने यूएसडी जेपीवाई ओपन किया हुआ है, तो यूएसडी जेपीवाई नहीं है। तो यहाँ से आप अपना चार्ट जो है इसका, इस पर करेंसी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूरो जेपीवाई सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूरो जेपीवाई 87% जो रिजल्ट दे रहा है, मतलब विनिंग दे रहा है आपको। तो यूरो जेपीवाई मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और अब यहाँ पे 5 मिनट जैसे ही कंप्लीट होंगे, चेक करो फ्रेंड्स यहाँ पे आप 4.53, तो यहाँ पे मैं 5 मिनट की टाइमिंग डाल देता हूँ, 5 मिनट की टाइमिंग मैंने डाल दी। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यार, जैसे ट्रेंड यहाँ पे मुझे पता लगेगा अगले 5 मिनट के डाउन ट्रेंड पे है, मैंने डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड ले ली और अगले 5 मिनट के लिए मैंने ट्रेड ली है। तो अब गाइज इसके पीछे का सिनेरियो देखो, मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड ली, किस तरीके से ली। तो यार आपने देखा होगा जब मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी यूरो जेपीवाई पे, अभी तो फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है, जब मैंने यूरो जेपीवाई पे ट्रेड ली थी तो वहाँ पे सडनली ट्रेंड चेंज हुआ था और टाइमिंग जो दिखा रहा था, जैसे कि ये टाइमिंग है 5 मिनट्स की टाइमिंग मुझे दिखा रहा था, तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट की ट्रेड इसीलिए प्लेस की। यहाँ पे देखिए 15 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, मिनिमम यहाँ पे हमें 5 मिनट रिकमेंड किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 मिनट की भी ट्रेड लेके देखी है, 2 मिनट्स की भी लेके देखी है, उसमें भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रह रहा है। मतलब ऐसा है कि एक तरीके से है तो बोट ही है, तो ज़्यादा कुछ एक्सेप्टेशंस तो मत रखना इससे, लेकिन इतना है कि आपको 10 में से 6 ट्रेड यार देखने को मिल सकती है, मतलब आप जीत सकते हो 10 में से 6। तो ये सिनेरियो रहता है यहाँ पे। तो अब देखिए आगे, जैसे कि अब ये ट्रेड है, अब अपोजिट डायरेक्शन में अभी तो जा रही है, जैसे कैंडल है 1 मिनट की जो कैंडल है मैंने सेलेक्ट की हुई है और चेक कर पा रहे,
किस तरीके से यहाँ पे चार्ट मूवमेंट हो रहा है। लेकिन यार जैसा कि मैं एवरेजली, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, ट्रेंड जो है इस पर्टिकुलर ग्राफ का, इस पर्टिकुलर करेंसी का, अप ट्रेंड पे है पिछले काफ़ी टाइम से। यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट ज़रूर हुई थी और मूवमेंट के बाद यहाँ पे जो करेंसी है वो अब वापस नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हुई है। 5 मिनट के लिए मैंने टाइमिंग सेलेक्ट किया है, बट वेट नहीं करते हैं, अगली करेंसी पे वेट लेंगे, अगली करेंसी पे ट्रेड लेते हैं और देखते हैं। इसका वेट नहीं करेंगे, जो होगा रिजल्ट लास्ट में जाके चेक कर लेंगे। 10 ट्रेड लेनी है हमें और जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करूंगा, खत्म करूंगा और चेक करेंगे कि क्या बेसिकली रहता है इसका सिनेरियो। तो यहाँ पे अब अगला यूरो यूएसडी में लेते हैं, टाइमिंग वेट करते हैं। 2 मिनट 40 सेकेंड हो गए, तो 2 मिनट 40 सेकेंड और वेट करना पड़ेगा। तो यूरो यूएसडी में सेलेक्ट कर लेता हूँ और जल्दी से जल्दी ट्रेड लेंगे और रिजल्ट देखेंगे भाई इसका क्या है। लेकिन यार वीडियो के साथ बने रहना, तभी आपको थोड़ा समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट चेक करने के लिए ना यार थोड़ा टाइम लग सकता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप, मतलब इतना जल्दी तो होगा नहीं, क्योंकि मैं अब 1-1 मिनट की ट्रेड ले लूँगा, तो 1-1 मिनट की ट्रेड है ये हमें रिकमेंड कर रहा है 5 मिनट की, तो 5 मिनट की लेके देखते हैं। बाकी आप अपने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, आपको जो स्ट्रेटेजी सूट करती है उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू, अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर जाए तो ये सिस्टम हमें रिकमेंड कर रहा है 5 मिनट की ट्रेड, तो हमें फिर 5 मिनट की ही लेनी चाहिए। तो इसीलिए अब देखते हैं यार, यूरो यूएसडी के बाद हम लेंगे जीबीपी जेपीवाई पे, जीबीपी यूएसडी पे, ये भी सारी करेंसीज अभी ठीक ठाक ही चल रही हैं, और ये भी यूरो जीबीपी भी सही चल रहा है, तो इस पर अभी ट्रेड लेंगे। लेकिन सबसे पहले यूरो यूएसडी का वेट करते हैं। 3 मिनट 33 सेकेंड्स हो चुके हैं, यानी अभी लगभग यार 1.5 मिनट का और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं ट्रेंड की डायरेक्शन क्या होती है। यहाँ पे चेक करनी है आपको ट्रेंड की डायरेक्शन। अगर डाउन एरो मिलता है तो इसका मतलब सिंपल है भाई, नीचे जाएगा। ग्रीन मिलता है इस तरीके से तो मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी देखिए लास्ट वाली ट्रेड है, उसमें 2 मिनट बचे हैं और अभी भी हम लॉस में ही है, और बिल्कुल इस ग्राफ के मुताबिक जा रहे थे। तो भाई मैं जो यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ ना आपको इसका, तो यहाँ पे मैं कोई अपनी साइड से या इस एप्लीकेशन के साइड से नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आप लोगों को दिखा के बोल रहा हूँ कि ये सिनेरियो है, समझ रहे हो आप, जो एकदम रियलिटी है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसके पीछे कुछ सिनेरियो है कि मतलब मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो ऑनेस्ट चीज़ें हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। जल्दी जल्दी ट्रेड लेंगे और रिजल्ट देखेंगे यार कि क्या रिजल्ट है। उम्मीद करूंगा 10 ट्रेड तो हम नहीं ले पाएंगे, मुझे लगता है 5 ट्रेड हम ले पाएंगे, तो 5 ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा यार 10 ट्रेड तो, और टाइमिंग 5 मिनट की रखते हैं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी भाई। तो 5 ही ट्रेड लेंगे और जल्दी से निपटाएंगे। यहाँ पे यूरो यूएसडी पे 10 सेकेंड्स बाद हम ट्रेड लेंगे और देखते हैं सिनेरियो क्या रहता है। मुझे जो ट्रेंड जो दिख रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, बाकी पता नहीं क्या इंडिकेट करता है हमें यूरो यूएसडी का ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है। वीएफएक्स अलर्ट, पिछला जो ट्रेड है अभी तक हम लॉस में ही है, अभी तक हम लॉस में ही है, और पता नहीं क्या क्यों ऐसा हो रहा है। यूरो यूएसडी ये वाला, इसका बहुत मुझे बेकार लगता है सीन। जैसे ही आपका, आपको कोई करेंसी पेयर में ट्रेड लेनी होती है उसी टाइम पे ये गायब हो जाता है। कोई बात नहीं, अभी जीबीपी जेपीवाई पे ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे भी अभी हमारे हक में ही चल रहा है, जीबीपी जेपीवाई करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो अभी हमारे पास 17 सेकेंड्स हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और लास्ट वाली ट्रेड देखें तो वो तो हार ही गए। तो अब ये वाली ट्रेड लेते हैं, जीबीपी जेपीवाई। यार बात जो करी जाए 5 मिनट की ना, 5 मिनट ये बोलते तो हैं बट ऐसा कुछ, कई बार ऐसा देखा कि यार 5 मिनट तक तो पहुंचती भी नहीं है इनकी। अभी फिलहाल वो भी चला गया, जीबीपी जेपीवाई भी चला गया है, तो जीबीपी यूएसडी बचा है हमारे पास और यूरो जेपीवाई जेबीपी बचा है। तो अब सिर्फ हमारे पास 3 बचे हैं, यूएसडी सीटीएफ। तो जल्दी से यूएसडी सीटीएफ के लिए जाते हैं, देखते हैं क्या है और उसी में ट्रेड ले लेते हैं अभी। क्योंकि यार इसका जो एप्लीकेशन है सबसे बेकार मुझे यही लगता है, जैसे ही करेंसी का टाइम पूरा होता है ये लोग पूरी करेंसी को ही हटा देते हैं। यूएसडी सीटीएफ एक वॉल्यूम ट्रेड, इतनी करेंसीज इतनी ज़्यादा देता है तो यहाँ पे सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई ऐसी करेंसीज हैं, कम्युनिटीज हैं जो हम ट्रेड लेते भी नहीं हैं बट यहाँ पे दिखाती है। यूएसडी सीजीएफ अब ये यूएसडी सीजीएफ मिल ही नहीं रहा है तो दूसरे किसी पे जाते हैं, यूएसडी जेपीवाई कभी अभी है, यूएसडी जेपीवाई पे जाते हैं। यूरो जीबीपी
यूरो जीबीपी का ट्रेंड अब बताया है अगले 5 मिनट के लिए। चलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली है, उसके बाद पिछली ट्रेड हम हार गए फ्रेंड्स, यार क्लियरली आप चेक कर पा रहे हैं, लास्ट वाली तो हार गए, अब ये वाली देखते हैं, ये भी डाउनवर्ड ही जा रहा है। तो भाई सिंपली यार एक बात बताऊं यार, इस पे ज़्यादा भरोसा करने लायक ये चीज़ है नहीं, मुझे जहाँ तक लगा ना यार। भाई प्रो मैंने पैक यहाँ पे परचेस किया हुआ है, ये कोई फ्री वाला नहीं है भाई, प्रो है। प्रो के बाद में भी यहाँ पे सिग्नल एक्यूरेसी बहुत बेकार मिल रही है, जहाँ पे भी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है वहाँ ये अप जा रहा है, जहाँ अप दिखा रहा है वहाँ डाउन जा रहा है। चलिए कुछ और ट्रेड ले लेते हैं और अभी इसकी रियलिटी पता लग जाएगी। आपके ये इससे पहले भी मैंने ट्रेड ली थी, लेकिन यार 5 मिनट के लिए तो कुछ सक्सेसफुल जा नहीं रही यहाँ पे। अगर मैं 2 मिनट का टाइमिंग रखता हूँ तो कुछ कुछ ट्रेड जो है वो विन कर जा रहे हैं। 2 मिनट की टाइमिंग पे ही फिर ट्रेड लेते हैं और आगे का सिनेरियो चेक करते हैं। तो अभी फ़िलहाल यूरो जीबीपी पे हमने ट्रेड ले ली है, नेक्स्ट वाली लेते हैं हम यूएसडी जेपीवाई पे, यूएसडी जेपीवाई पे लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर दें यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जी पी वाई करेंसी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे करेंसीज का यहाँ पे थोड़ा सा सेलेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। यूएसडी जेपीवाई सेलेक्ट करी है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, मैं डाउनवर्ड के लिए ले लेता हूँ 2 मिनट्स। अब 2 मिनट की देखते हैं सिनेरियो, जहाँ तक कि मैंने चेक किया है 2 मिनट का बहुत अच्छे से वर्क करता है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, लेकिन 5 मिनट का जो ये रिकमेंड करते हैं, 5 मिनट का मैंने चेक किया है यार, 5 मिनट के लिए मतलब लाइक इनकी कूल नहीं है। बट 2 मिनट में अगर आप 10 में से 6 ट्रेड देखोगे तो यार जीत ही जाओगे 10 में से 6, वो भी मुझे इतना कूल रिजल्ट नहीं लगता है। अगर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आप परचेस करते हो तो आपको जो रिजल्ट है वो अच्छे मिलने चाहिए, बट यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं 10 में से 6 यानी 60%, तो मैं सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हूँ उस पर्टिकुलर बोर्ड से। बाकी आपकी जो चॉइस है, आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा। अभी हमने यहाँ पे पर्टिकुलर एक ट्रेड ली थी वो हार गए, अभी दूसरी ट्रेड है चल रही है वो भी लॉस में चल रही है, तीसरी है ये 2 मिनट के लिए ली है और ये उम्मीद करते हैं जीतेंगे। तो अब जाते हैं यूरो जीबीपी में और इस पर भी एक बार ट्राई मार लेते हैं, यूरो जीबीपी पे फिर से ट्रेड लेते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेनी है और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड लेंगे उसमें विनिंग परसेंटेज 60% हो। बट जहाँ तक ये देखा गया 5 मिनट के में तो यहाँ पे जो है चांसेस कम ही है। अब यूरो जीबीपी में अप ट्रेंड दिखा रखा है तो मैं यहाँ पे अप के लिए लेता हूँ। लास्ट वाली जो ट्रेड थी वो भी यहाँ पे अप के लिए ही है और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा सडनली इम्पैक्ट पड़ा है ऊपर की तरफ। दूसरा जाते हैं जीबीपी जेपीवाई पे, तो जीबीपी जेपीवाई को सेलेक्ट करते हैं, जीबीपी जेपीवाई डाउन ट्रेंड पे दिखा रहा है ये, जीबीपी जेपीवाई को देखते हैं एक बार। वीडियो के साथ बने रहना है फ्रेंड्स, मज़ा ज़रूर आएगा लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो। यहाँ पे जो रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं वो किस तरीके के होंगे, अब यहाँ पे अगर हल्का सा हमने लेट किया, अगर ये एग्जैक्टली हम उस टाइम पे जीबीपी जेपीवाई सेलेक्ट कर पाते तो यहाँ पे जो है कैंडल जो है वो यहाँ से बनना स्टार्ट हुई थी, मेरे ख्याल से 36 सेकेंड हो गए अभी, तो कैंडल के टाइमिंग के हिसाब से अगर जाते तो ये ट्रेड शायद विन कर जाते। बट 2 मिनट के सिनेरियो के हिसाब से देखें तो भी ये काफ़ी अच्छा है, 2 मिनट के सिनेरियो के हिसाब से ये 2 मिनट में आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट में ना ही यूज़ करें तो सही रहेगा। तो अब इस ग्राफ की बात करते हैं यहाँ पे, मतलब रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो पिछले 3 या 4 ट्रेड जो भी हमने ली है सबकी सब प्लस में ही जा रही है, अभी 3 ओपन है, तीनों की तीनों प्लस में है और चलिए अच्छी बात है ये। और अब जाते हैं और किसी पे, जीबीपी यूएसडी डाउन ट्रेंड, अब ये भी यूज देख लेते हैं, जीबीपी यूएसडी डाउन ट्रेंड पे है, जीबीपी यूएसडी ये जीबीपी यूएसडी मैंने डाउन ट्रेंड पे लगा दिया है 2 मिनट्स, ठीक है। और चेक करते हैं क्या रिजल्ट रहता है अभी फिलहाल, सारी की सारी जो ट्रेड है मैंने 50-50 डॉलर्स की प्लेस की है, अगर आप चेक कर सकते हैं 50-50 डॉलर्स की। यहाँ पे कोई मार्टिकल मैंने फॉलो नहीं किया क्योंकि ये जो वीडियो है जस्ट फॉर आपको दिखाने के लिए है, रिजल्ट आपको दिखाने के लिए कि इसके रिजल्ट क्या रहते हैं।
तो इसीलिए सारी की सारी जो ट्रेड है जस्ट जो प्लेस की गई है सारी की सारी 50 डॉलर्स में है। तो यहाँ पे ये विन कर गए हैं हम, लास्ट की 2 ट्रेड्स ये भी विन कर गए हैं नीचे वाली भी, और अभी 11 सेकेंड्स बचे हैं ये भी विन ही करेंगे। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे अगर आप 2 मिनट की ट्रेड लेते हैं तो 60% रिजल्ट आपको यहाँ से मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने खुद भी ट्राई किया। बट अगर रिकमेंड करें एप्लीकेशन की तरफ से जाएं, अगर एप्लीकेशन हमें कहती है कि आपको जो ट्रेड लेनी है वो आपको लेनी है 5 मिनट की, जैसा कि दिखाया गया है 5 मिनट की, 15 मिनट की, अब यहाँ पे 1 मिनट की भी बताया गया है, यूएसडी सीटीएफ को 1 मिनट के लिए डाउन अप ट्रेंड के लिए दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड लेने के लिए भी आपको बताया गया, एप्लीकेशन के द्वारा रिकमेंड किया गया है। तो इतनी जल्दी तो अभी नहीं ले पाएंगे क्योंकि अभी 1 मिनट में ऑलरेडी 12 सेकंड ही बचे हैं। तो इसलिए ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। अगर आप यहाँ पे 2 मिनट की ट्रेड लेते हैं तो 2 मिनट की ट्रेड पे 60% से ज़्यादा रिजल्ट आपको मिल जाता है, लेकिन 5 मिनट पे आपको नहीं मिलता है, ठीक है। और अब यूरो यूएसडी पे हमें डाउन ट्रेंड मिला है, वो चेक कर लेते हैं। यूरो यूएसडी डाउन ट्रेंड 5 मिनट के लिए दिखा रहा है, लेकिन हम 5 मिनट के लिए नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 2 मिनट के लिए और देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। यूरो यूएसडी 2 मिनट डाउन ट्रेंड, एग्जैक्टली दैट्स वाई मैं यही चीज़ आपको कह रहा था। अगर आप सेम इस इंटरफेस में ट्रेड ना लेके अपने अगर मोबाइल के अंदर ट्रेड लेते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके लिए रीज़न क्या है उसके पीछे, उसके पीछे रीज़न ये है क्यों, क्योंकि आप जब यहाँ पे ट्रेड ओपन करते हैं उतने टाइम में जो करेंसी है, उतने टाइम में जो कैंडल है वो बन जाती है, और जितनी कैंडल ये नीचे चली गई, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं एग्जैक्टली इस कैंडल की ओपनिंग टाइमिंग पे, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए हो सकती थी। तो लास्ट ट्रेड भी हम विन कर गए हैं, तो कॉन्टिन्यूसली काफ़ी सारी ट्रेड यहाँ पे हम विन कर गए आज। अभी अगली जो ट्रेड्स हैं वो देखते हैं, थोड़ी सी और ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे हम शुरुआत की 2-3 ट्रेड ज़रूर हार रहे थे, रीज़न था वो 5 मिनट्स हमने सेलेक्ट किया था। बट भाई टेक्निकल अभी चैनल पे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को हमेशा मिलता है, कुछ अलग हर किसी से लोगों से हट के कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जैसा कि आप ये देखेंगे यार, यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जितने टाइमिंग के लिए आपको स्ट्रेटजीज दी गई हैं उतनी टाइमिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बेनिफिशियल नहीं होता है उनके लिए। बट अगर आप यूज़ करेंगे इसे 2 मिनट के लिए तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी ये स्ट्रेटजी आपके लिए हो सकती हैं। अब यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं तो अभी फ़ायदा नहीं है। यूरो यूएसडी में डाउन ट्रेंड है अगले 5 मिनट के लिए, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, हमने भी डाउन पर ही प्लेस की है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लेस की होती तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिल सकते थे। बट अभी फ़िलहाल 45 सेकेंड्स अभी हैं हमारे पास और उम्मीद करेंगे विन ही करें। और अगर कोई और करेंसी की बात करें, यूरो जेपीवाई पे अभी ओपन हुआ है डाउन ट्रेंड पे, तो यूरो जेपीवाई पे भी एक ट्रेड ले लेते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलते हैं। और लास्ट ट्रेड लेते हैं ये वाली, और क्योंकि हमारे पास रिजल्ट हमारे सामने बिल्कुल क्लियर रिजल्ट है, जिससे मुझे नहीं लगता अभी कोई गुंजाइश है, किसी को कोई डाउट होगा। यूरो जेपीवाई की जो है अभी करेंसी ओपन करते हैं और वहां पे ट्रेड लेते हैं। यूरो जेपीवाई गलती से यूरो कैड ओपन हो गया, तो यहाँ पे अगर यूरो जेपीवाई भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मिल नहीं रहा है कहाँ पे, ये थोड़ा करेंसी सर्च करने में हमेशा से ही ये प्रॉब्लम रहा है ऑल इन ट्रेड में, ये मिक्सअप कर देते हैं सारी करेंसीज को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। अभी यूएसडी कैड अभी यूएसडी कैड में ले लेते हैं, एक ट्रेड अभी अभी ओपन हुआ है और अप ट्रेंड पे है। यूएसडी कैड अप ट्रेंड पे है, हाँ बिल्कुल अप ट्रेंड पे है, लेकिन इस कैंडल की ओपनिंग पे लिया होता तो वही चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, इसी कैंडल की ओपनिंग पे लिया होता तो ज़्यादा फायदा हो सकता था। तो यहाँ पे देखेंगे ये फिलहाल फिर से ऊपर की तरफ ट्रेंड लेना स्टार्ट कर दिया, इसने जाना स्टार्ट कर दिया है। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे अगर हिस्ट्री की बात करें तो हमने यहाँ पे फिलहाल 13 ट्रेड ली हैं, मतलब अभी अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे अभी तीन तो चार तो मैंने पहले ले ली होंगी, उसके बाद हमने 10 ट्रेड के आसपास ली हैं, जिसमें से यार 2 ट्रेड शायद हारे हैं बाकी सारे जीते हैं। तो रीज़न यही रहा है उसके पीछे कि आप 5 मिनट के लोगे तो यहाँ पे हारोगे, जैसा कि आपने चेक कर लिया है, 2 मिनट के लोगे तो रिजल्ट अच्छा मिल रहा है,
तो 2 मिनट के आप ले सकते हो यहाँ पे, और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो फिर डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट की तरफ ही जाएंगे। 2 मिनट की ही ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे विन करने के चांसेस हमारे पास ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये लास्ट ट्रेड है और यार उम्मीद करेंगे जीतेंगे ये भी, और उसके बाद ये जो है वीडियो को बंद करते हैं, यानी कि यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करूंगा यार वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी आप लोगों को, और यार अगर कोई डाउट रहता है ना रिगार्डिंग सिस्टम तो आप पूछ सकते हैं यार, कमेंट बॉक्स में ओपन है। अगर और कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं मेरे से, अगर आपको कोई ज़्यादा मेजर डाउट है डायरेक्टली आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। और यार एक और चीज़ बताना चाहूँगा यार, अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो ना तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम पे, क्योंकि अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो बहुत कुछ मिस करोगे। और दूसरी चीज़ बताऊँगा यार, अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो लाइक नहीं किया और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो और सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, तो अभी करके चले जाओ, क्योंकि यार फ्यूचर में आने वाले टाइम में बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोज़ हैं आपके लिए जो कि मिस करोगे सीरियसली अगर आप नहीं सब्सक्राइब करते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो यहाँ से कैसा पैसे कमाया जा सकता है सारी रियलिटी, तो आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स यार ये जो ट्रेड है हम हार गए हैं, जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं, अभी जो टाइमिंग है हमारे पास 10 सेकंड 11 सेकंड, बट इतना ऊंचा कवर करना कैनल्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। वो रेयर टाइम में अगर हमारे पास न्यूज़ इम्पैक्ट की कोई कोई न्यूज़ होती है पर्टिकुलर करेंसी पे तो ही कवर हो पाता है, अदरवाइज नहीं। तो ये हार गए हैं, तो इसको अगर मिला के चलें तो भी हम काफ़ी अच्छा रहा हमारा आज का, तो काफ़ी यहाँ पे ट्रेड जीती भी है आज के दिन में, काफ़ी अच्छा सिनेरियो रहा। ठीक है, तो अब आपको सामने रिजल्ट है, मैं यहाँ पे कोई अच्छा या बुरा नहीं कहूँगा इसके बारे में, जैसा आपको लगता है कि क्या हुआ क्या नहीं। आपने पूरी वीडियो देखी होगी, आपको पता होगा कि आपको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, तो आप उस हिसाब से जा सकते हो। मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो ओवरऑल प्लस में ही हूँ, लाइव अकाउंट में जो बैलेंस आप देख पा रहे होंगे वो तो टोटली प्लस में ही है, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रेड जीती हैं, बाकी आपके ऊपर है अपना जो है डिसीजन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यार मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।